सपने देखो सपने देखो सपने देखो, सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में बदल जाते हैं। बीटेक बी वालों, आपका सपना पूरा होने वाला है और अब महारत्न कंपनी सील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका नसीब खुलने वाला है। आप अपना नसीब फटाफट पकड़िए। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नया सुनहरा अवसर लेके आप नौकरी में योगदान कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में विभिन्न ट्रेड्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 249 पदों पर बहाली होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सब के सभी पदों पर नियुक्ति होगी, यानी इन सभी ट्रेडों पर नियुक्ति होगी। तो किस में कितना पोस्ट है आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। केमिकल 10 पोस्ट है, सिविल का 21 पोस्ट है, कंप्यूटर का 9, इलेक्ट्रिकल का 61, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5, इंस्ट्रूमेंटेशन का 11, मैकेनिकल का 69, मेटलर्जी 63। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का 69 है, उसके बाद मेटलर्जी का 63 है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का 61 है, उसके बाद सिविल का 21 है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन का 11 है, उसके बाद केमिकल का 10 है, उसके बाद कंप्यूटर का 9 है और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो दोस्तों, आप एक पोस्ट लीजिए और मज़े में रहिए और चलिए आपका 24 में आप नौकरी में योगदान कीजिए। तो चलिए और डिटेल जानते हैं। डिटेल में देखिए सेल की ऑफिशियल वेबसाइट www.sellcareers.com पर आप और डिटेल जान सकते हैं। आवेदन वहां से भरिएगा तो वहां और डिटेल देख लीजिएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। एक साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलने वाला है देखिए, 50,000 से 1,60,000 तक आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। जैसे ही आपका असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर पोस्टिंग हो जाएगी तो 60,000 से 1,80,000 के बीच आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब आगे रिक्रूट होने के लिए अभ्यर्थी के पास बी या बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, क्लियर। यह डिग्री 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही गेट 2024 स्कोर कार्ड भी होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन एसटीएससी के लिए इसमें रिजर्वेशन भी है कि 55% उनका अंक है तो उनको भी लिया जाएगा। और एसटीएससी के साथ पीडब्ल्यू और डिपार्टमेंटल जो है उसको 55% यानी 55% अंक है तो भी तो चलेगा, इसलिए उनका बल्ले बल्ले होने वाला है। आपसे 10% कम भी रहेगा तो बल्ले बल्ले। अब आगे देखिए, कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 साल, कम से कम 18 साल। 18 साल तो होबे करेगा, बीटेक करते करते का 18 साल में बीटेक होता है, कोई बात नहीं, चलिए आगे जाते हैं। और मैक्सिमम एज 28 तक होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 25 जुलाई 2024 को जनरल कैटेगरी वालों का 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 28 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जनरल वाले। लेकिन उसी में एसटीएससी ओबीसी के लिए उसमें एज में छूट है, ओबीसी का 3 साल, एसटीएससी का 5 साल, पीडब्ल्यूडी और ये हाँ दिव्यांग सब के लिए आपका देखिएगा नियमानुसार जो होगा 10 साल रहता है, लेकिन आप वेबसाइट में देख लीजिए जितना होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी है कि 25 जुलाई 1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाला का, ठीक है। अब आगे देखिए, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार हाँ उम्र में छूट दी जाएगी, देखिए क्लियर है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी से फीस ली जाएगी, देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस रखी गई, जबकि एसटीएससी के लिए मात्र 200 रुपये, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और एक बार बता दे रहे हैं, पोस्ट
और एक बार सुन लीजिए, केमिकल 10, सिविल 21, कंप्यूटर 9, इलेक्ट्रिकल 61, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, इंस्ट्रूमेंटेशन 11, मैकेनिकल 69, मेटलर्जी 63। बस क्लियर हो गया। आप मेरा वीडियो में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए नए अपडेट के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। तो जय हिंद, जोहार झारखंड, नौकरी कीजिए और बम बम रहिए।